इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग में एमएस एक्सेल का क्या यूज होता है। वैसे अगर आपने ये वीडियो देखा है तब डेटा एंट्री का कोई भी काम हो, चाहे अकाउंटिंग हो चाहे और कहीं पर हो, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। लेकिन कुछ भाई ने कमेंट किया कि अकाउंटिंग में एमएस एक्सेल का क्या यूज होता है, तब मैं सोचा इसके लिए एक अलग से वीडियो बना ही देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज समझना है जो अकाउंटिंग के काम में यूज होता ही होता है, क्या कि आप एक डे बुक रिपोर्ट कैसे बना सकते हो, वो भी रिसिप्ट और पेमेंट अमाउंट के साथ। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने रिसिप्ट अमाउंट का एंट्री किया है और यहाँ पर मैंने टाइप किया है किस डेट को किसका कितना अमाउंट हमारे पास आया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया है इस डेट को हमें रेंट मिला है कितना, 12,000। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर बनाया पेमेंट अमाउंट कि किसको हमने कितना पेमेंट दिया। ठीक है, जैसे मैंने इस डेट को ऑफिस रेंट दिया कितना, 12,000। ठीक है, इसी प्रकार मैंने रिसिप्ट अमाउंट और पेमेंट अमाउंट दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे बनाया है डे बुक। डे बुक के अंदर हम निकालेंगे कि उस डेट को टोटल हमने कितना अमाउंट रिसीव किया और कितना हमने पेमेंट किया। ठीक है, और लास्ट में कितना हमारे पास बैलेंस बचा, वो सभी चीज़ हम डे बुक के अंदर बनाएंगे। और एक चीज़ आपको ये समझना है कि इसमें कोई भी अमाउंट आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, सब अमाउंट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप डेट वाइज सर्च भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई भी डेट अगर आप टाइप करोगे, उस डेट को कितना अमाउंट आपने रिसीव किया, सभी का डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों सीखते हैं कि इसको आप कैसे बना सकते हो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक नया शीट लेता हूँ। अब सबसे पहले आपको क्या बनाना है, रिसिप्ट अमाउंट। ठीक है, क्या क्या आपने रिसीव किया है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके कॉलम के साइज को बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से कर दिया होम टाइप से, क्या मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रिसिप्ट अमाउंट। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके मैंने बोल्ड कर दिया और इसका फॉन्ट साइज मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया। उसके बाद जो भी कलर देना आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। और रिसिप्ट अमाउंट के नीचे आप डेट टाइप कर लो, आप किस डेट से किस डेट के बीच में बना रहे हो। वैसे आपको यहाँ पे फाइनेंशियल पीरियड टाइप करना है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डेट और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से जो है इस टाइप से कलर अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से बोल्ड करके उसके बाद मैंने यहाँ से इसको सेंटर में कर दिया। ठीक है, अब फॉन्ट साइज थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया डेट, उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के अंदर हम टाइप करेंगे कहाँ से हमने रिसीव किया या किसको हमने पेमेंट किया। ठीक है, वो दोस्तों हम पर्टिकुलर के अंदर टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कितना अमाउंट रिसीव किया ये मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया पेमेंट मोड, मतलब आप कैश में ले रहे हो कि चेक में ले रहे हो कि ऑनलाइन आप ले रहे हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया पेमेंट मोड। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन या आप यहाँ पे नरेशन टाइप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे सेंटर में किया और इसको मैंने कर दिया बोल्ड और इसका साइज मैंने थोड़ा यहाँ से इंक्रीज कर लिया। ठीक है, और इसके कॉलम के साइज को मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ इस टाइप से। उसके बाद क्या करना है, इनको सेलेक्ट करके आपको टेबल बनाना है। ठीक है, मैंने प्रेस किया कंट्रोल टी। ठीक है, उसको मैंने यहाँ से कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है माई टेबल हैज ए हेडर। ठीक है, मेरे टेबल में हेडिंग है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने कर दिया ओके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको टेबल डिजाइन का एक ऑप्शन खुल जाएगा जब आप टेबल के अंदर काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी डिजाइन देना है यहाँ से आप डिजाइन दे सकते हो, आप यहाँ से भी कलर दे सकते हो, लेकिन इसका कलर जो है मैं होम टैब से देता हूँ। देखिए दोस्तों, होम टैब में गया और हेडिंग का कलर मैंने जो है इस टाइप से ले लिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस टाइप से मैंने हेडिंग का कलर चेंज कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जो है आज का डेट टाइप कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 6/5/22। ठीक है, जैसे मैंने इस डेट को क्या किया है, रेंट हमने रिसीव किया है। ठीक है, रेंट हमने रिसीव किया है, कितना अमाउंट रिसीव किया है मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप पेमेंट मोड में इस टाइप से आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है कि आप ये अमाउंट कैश में प्राप्त किए कि चेक में प्राप्त किए, ठीक है, कि आपने ऑनलाइन लिया। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, कहीं खाली जगह पे आपको इस टाइप से टाइप कर लेना है क्या कैश। ठीक है, फिर मैंने यहाँ टाइप कर दिया चेक, मैंने क्या किया पेमेंट मोड वाले एरिया को सेलेक्ट किया, मैं गया डाटा टैब में, उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ से जो है मैंने सेलेक्ट किया लिस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने सोर्स पे क्लिक किया, उसके बाद लिस्ट मुझे किसको बनाना है, इन तीनों को मुझे लिस्ट बनाना है। ठीक है, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट करके मैंने कर दिया यहाँ से ओके।
ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा सेंटेंस आप टाइप कर सकते हो, क्या, जैसे आपने रेंट कहाँ से रिसीव किया, जैसे मैंने आप टाइप कर दिया रेंट रिसीव फ्रॉम मोहन, ठीक है, इस टाइप से मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो है एक एंट्री कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार जैसे दोस्तों मान लो आपने बहुत सारा एंट्री इस टाइप से कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 तारीख का तो हमने बहुत बार एंट्री किया है, हम चाहते हैं कि 6 तारीख का टोटल हमने कितना रिसीव किया, हमें एक जगह टोटल करके दिखाएं, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 6 तारीख में हमने कैश में भी रिसीव किया है, चेक में भी रिसीव किया है, या हो सकता है आपने ऑनलाइन भी रिसीव किया है, ठीक है। तो हमें अलग अलग दिखाए कि कैश में हमने कितना रिसीव किया या चेक में हमने कितना रिसीव किया। दोस्तों एक ऑप्शन तो ये है इसका निकालने का कि आप इसमें फिल्टर अप्लाई कर दो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं गया डाटा में, यहाँ से मैंने फिल्टर बटन पर क्लिक किया, ठीक है। मैं जो है देखना चाहता हूँ केवल 6 तारीख का, तो मैंने डेट पर क्लिक करके देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑटोमेटिक मई के अंदर जो भी डेट का आप एंट्री करोगे यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगले मंथ का ऑटोमेटिक यहाँ पे चेकबॉक्स बनता जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या देखना है, केवल यहाँ पे 6 तारीख का देखना है, ठीक है। मैंने 6 पे क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया ओके, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 वाले डेट का ही एंट्री दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, आप चाहते हो यहाँ पे टोटल करके दिखाए, तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, इसको मैंने टेबल इसलिए बनाया, आप टेबल डिजाइन पे क्लिक करो और यहाँ पे आप देखिए दोस्तों टोटल रो आ रहा है, आप इस पर चेक कर दो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है टोटल आपने 52,000 का सेल किया है, ठीक है। और यहाँ से आप मिनिमम मैक्सिमम सम एवरेज जो भी निकालना आप यहाँ से कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों मैंने इसको टेबल फॉर्मेट में डिजाइन किया, ठीक है, जिससे दोस्तों आप तुरंत डेटा का कैलकुलेशन कर सको। अच्छा, यहाँ पे तो 6 तारीख का सभी का दिखा रहा है, ठीक है, कैश चेक। तो आप क्या करो, यहाँ पे जो है पेमेंट मोड में भी फिल्टर अप्लाई कर दो, क्या, केवल आपको कैश का देखना है, कैश पे चेक करो और यहाँ से कर दो आप ओके। देखिए दोस्तों, कैश में केवल आपने 12,000 अमाउंट रिसीव किया है, ठीक है। ये दोस्तों केवल छोटा डेटा है, इसलिए केवल एक डेट का एंट्री दिखा रहा है, ठीक है। अगर बड़ा डेटा रहता तो सभी का ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाता, ठीक है। फिल्टर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो मैं क्या डाटा में गया, यहाँ से कर दिया मैंने क्लियर फिल्टर, ठीक है। अच्छा, एक बार अगर आपने ये बना लिया रिसिप्ट अमाउंट, तब आपको पेमेंट अमाउंट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तब आप क्या करो, इस शीट पर राइट क्लिक करो और यहाँ से कर लो मूव एंड कॉपी, ठीक है, और यहाँ से कर लो क्रिएट कॉपी। उसके बाद यहाँ से मैंने कर दिया मूव टू इंड, जहाँ भी करना है आपको, उसके बाद यहाँ से कर देना आप ओके, ठीक है। अब इस सीट का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, क्या, पेमेंट। अब यहाँ पे जो है इसको आप केवल हटा दो, क्या, रिसिप्ट की जगह आप यहाँ पे कर दो पेमेंट, ठीक है, क्योंकि आपने रिसिप्ट का बना लिया। अब आप किसका बना रहे हैं, पेमेंट का बना रहे हैं। उसके बाद जो भी डाटा इनको आप डिलीट कर दो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने टाइप किया, क्या, कि 6 तारीख को आपने क्या क्या पेमेंट किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 6/5/22, और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कि हमने ऑफिस का रेंट पेमेंट किया है कितना, मान लो मैंने पेमेंट किया 12,000, ठीक है। अब हमने कैश में किया, क्या, चेक में किया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। इसी प्रकार आप उस डेट को जहाँ जहाँ पर आपने पेमेंट किया है, आप सारा एंट्री आप कर लो, ठीक है। एंट्री करने के बाद वही दोस्तों एकदम सेम प्रोसेस है, क्या, अगर आपको 6 तारीख का देखना है तो आप फिल्टर अप्लाई कर दो, ठीक है। कैश में देखना है कि चेक में देखना है, वही आप दोस्तों फिल्टर अप्लाई करके आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ आप नॉर्मल टाइप कर सकते हो, क्या, यहाँ पे कंपनी का नेम, और यहाँ से दोस्तों मैंने पिक्चर की सहायता से मैंने यहाँ पे अपना लोगो इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। ये दोस्तों आप नॉर्मल कर सकते हो। अब आपको मेन चीज़ सीखना है, क्या, कि आप एक डे बुक रिपोर्ट कैसे बना सकते हो, जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और इसी में दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट दोस्तों इसी में यूज हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रिसिप्ट अमाउंट या पेमेंट अमाउंट किसी का भी आप एक कॉपी कर लो। कॉपी देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने इसका एक कॉपी कर लिया सबसे लास्ट में। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इन सबको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं, डे बुक रिपोर्ट, ठीक है। इनको डिलीट करके मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया डे बुक रिपोर्ट। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, डे बुक रिपोर्ट में हम बनाएंगे क्या, जैसे कि यहाँ पे 6 तारीख में तो हमने बहुत बार एंट्री किया है, फिर 7 तारीख में मैंने बहुत बार एंट्री किया है, तो हम चाहते हैं कि 6 तारीख का हमें एक जगह टोटल करके दिखाए कि 6 तारीख का कितना हमने रिसीव किया, कितना हमने पेमेंट किया, ठीक है, वो हमें एक जगह टोटल करके दिखाए, ठीक है। और उस दिन कितना हमारा क्लोजिंग बैलेंस था और कितना हमारा ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। इस टाइप से आपको बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया क्या, रिसिप्ट अमाउंट, कितना हमने रिसिप्ट किया टोटल, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप करना है पेमेंट अमाउंट, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है ओपनिंग बैलेंस। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। इसके कॉलम के साइज को थोड़ा मैं ड्रैग कर लेता हूँ, अब आपको एक चीज़ ये समझना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट टाइप कर लूँ, किस डेट से मैं एंट्री कर रहा हूँ, 6 तारीख से एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 6/5/22, ठीक है, केवल एक बार एंट्री करना है, फिर उसके बाद इसको मैं ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है कि 6 तारीख को आपने टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना जरूरी है क्या, सम इफ, जो दोस्तों अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला यूज होता है क्या, सम इफ। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है सम इफ। ठीक है, फिर रेंज मतलब आप कहाँ से डाटा आप लाना चाहते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारे रिसिप्ट अमाउंट में है ना, रिसिप्ट अमाउंट का डाटा आप ऐसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मुझे यहीं तक जरूरत है, मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, आप चाहे पूरा एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मूला बार पे क्लिक करके मैंने लगाया कॉमा। उसके बाद क्या शो हो रहा है, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, मैं डेट के हिसाब से निकालना चाहता हूँ ना कि इस डेट को कितना हमने रिसीव किया, तो डेट क्या हो गया हमारा कंडीशन। तो मैंने क्या किया, मैं डे बुक के अंदर मैंने इस डेट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाया कॉमा। उसके बाद क्या शो हो रहा है, सम रेंज, किस रेंज का आपको सम करना है, टोटल करना है। रिसिप्ट अमाउंट पे मैंने क्लिक किया, रिसिप्ट अमाउंट का मुझे ये टोटल करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर। तो यहाँ पे दिखा रहा है 6 तारीख को आपने टोटल 52,000 रिसीव किया है। ठीक है, 7 तारीख को आपने टोटल 35,000 रिसीव किया है। इसी प्रकार आपने 8 तारीख को 86,000 रिसीव किया है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, 6 तारीख को कितना दिखा रहा है, 52,000। देखो तो 6 तारीख के 3 डाटा है ना, देखो तो इन तीनों का सम यहाँ पे देखो दिखा रहा है कितना, 52,000। ठीक है, इसी प्रकार आपको निकालना है कि आपने 6 तारीख को कितना टोटल अमाउंट पेमेंट किया है। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला है क्या, इक्वल टू सम इफ। उसके बाद रेंज मतलब एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया क्या, पेमेंट का, पेमेंट अमाउंट वाले सीट पे जाना है। उसके बाद आपको ये एरिया सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जहाँ तक आप करना चाहते हो। उसके बाद लगाना कॉमा। उसके बाद क्या शो हो रहा है, क्राइटेरिया। देखिए तो फॉर्मूला बार में यहाँ पे क्या शो हो रहा है, क्राइटेरिया। कंडीशन क्या है हमारा, डेट। मैंने डे बुक वाले रिपोर्ट पे क्या किया, इस डेट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद लगाया मैंने कॉमा। उसके बाद क्या शो हो रहा है, सम रेंज, पेमेंट अमाउंट को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस पेमेंट वाले अमाउंट का सम करना चाहता हूँ ना, तो मैंने क्या कि इस अमाउंट को सेलेक्ट करके मैंने ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर। ठीक है, देखो तो यहाँ पे दिखा रहा है आपने 52,000 रिसीव किया, लेकिन आपने पेमेंट किया 28,000। आपने 35,000 रिसीव किया, आपने पेमेंट किया 28,925। ठीक है, अच्छा उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, ये आप कैसे निकालोगे। अच्छा यहाँ से दोस्तों हमने जो है इस टाइप से एक बना रखा था ना, कैश चेक ऑनलाइन, तो यहाँ पे जरूरत है नहीं, तो इसको आप यहाँ हटा दो। ठीक है, डे बुक रिपोर्ट से इसको सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ से कर देना है क्लियर ऑल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कर दो ओके। ठीक है, हट गया हमारा। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल टू, ठीक है, आपने क्या रिसीव किया, इसमें से आप माइनस कर दो कि आपने कितना पेमेंट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे 24,000 उस दिन का क्या था, क्लोजिंग बैलेंस था। ठीक है, ये आपके पास बचा था। अच्छा उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस अगले दिन का क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 24,000 हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या किया, इक्वल टू मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों 7 तारीख का आपका क्लोजिंग बैलेंस तो सही है कि आपने 35,000 रिसीव किया, पेमेंट आपने किया 28,000, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 6,000। ठीक है, लेकिन दोस्तों ओपनिंग बैलेंस आपके पास 6,000 नहीं है, कैसे, आपके पास तो आगे का 24,000 है, अब प्लस 6,000 और ऐड हो गया ना, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, ठीक है, 24,000 प्लस 6,000। ये दोस्तों यहीं पे आपको चेंज करना है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला लगा कर दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, इन सबको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप किया इक्वल टू, उसके बाद मैंने क्या किया कि हमारे पास उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस प्लस हमारे पास आगे का जो बचा था, ये दोनों हमारा उस दिन का टोटल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मैंने कर दिया एंटर। अच्छा इसी प्रकार इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, सबका ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा, देखिए दोस्तों इस टाइप से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 54,000 कैसे दिखा रहा है कि 24,000 हमारे पास उस दिन आया था और उसके बाद प्लस हमारे पास 30,000 आगे का था। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 54,000। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और करना है क्या, अच्छा यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि 6 तारीख में आपने टोटल कितना रिसीव किया, कितना पेमेंट किया, ठीक है, सारा आपका एक जगह करके दिखाया, ठीक है, आप सर्च कर सको। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, इंसर्ट कॉपी सेल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कि सर्च। ठीक है, इस टाइप से मैंने टाइप कर लिया और यहाँ से इसका मैं कलर पहले चेंज कर देता हूँ, इसका कलर यहाँ से हट गया है। ठीक है, दे मैंने कलर दे दिया। ठीक है, अच्छा सीरियल नंबर का जरूरत है नहीं, तो इनको दोनों को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से कर दिया मर्ज। ठीक है, मैंने कर दिया ओके और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया, मैं डेट वाइज सर्च करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया डेट, इसको भी सिलेक्ट करके मैंने कर दिया मर्ज। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास एक तरीका ये है सर्च करने का कि आप वी लुकअप फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, कि आपने टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया है, ठीक है, किस डेट को, इस डेट को आपने टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया, तो इसके लिए आप वी लुकअप फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, वैसे दोस्तों वी लुकअप फॉर्मूला मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक,
उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे टाइप कर दिया क्या इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मैंने क्या किया इस डेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस डेट के अकॉर्डिंग मैं सर्च करना चाहता हूँ ना। फिर उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, क्या सो रहा है टेबल, तो ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों मैंने क्या किया, टेबल मतलब डेट से मैंने क्या किया पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, उसके बाद क्या सो रहा है कॉलम नंबर, मैं क्या निकालना चाहता हूँ रिसिप्ट अमाउंट, रिसिप्ट अमाउंट कितने नंबर कॉलम में है, जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया दो नंबर कॉलम में है, ठीक है। तो मैंने दो टाइप कर दिया, कॉमा जीरो, फिर ब्रैकेट क्लोज मैंने कर दिया एंटर। देखो तो यहाँ पर रिसिप्ट अमाउंट आ गया। अच्छा मैं डेट चेंज करके देखता हूँ, जैसे मान लो मुझे देखना है 8 तारीख का, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया 8/5/22, मैंने कर दिया एंटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है 86,000, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर डेट चेंज करोगे ऑटोमेटिकली हमारा चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों वी लुकअप फॉर्मूला के साथ आप पेमेंट अमाउंट निकाल लो, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, ओपनिंग बैलेंस निकाल लो, ठीक है। चेंज क्या करना है आपको, केवल कॉलम नंबर, ठीक है। अच्छा दोस्तों सभी का एक साथ निकालने के लिए आप एक्स लुकअप फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो। दोस्तों इस टाइप से आप एक डे बुक रिपोर्ट बना सकते हो। मुझे दोस्तों पूरा उम्मीद है कि आपको ये डे बुक रिपोर्ट बनाना समझ में आ गया होगा। वैसे दोस्तों इसके अलावा जो भी अकाउंटिंग का काम होता है एक्सेल में, वो दोस्तों नॉर्मल आपको रजिस्टर या वाउचर में से देख देख के नॉर्मल आपको एक्सेल में एंट्री करना रहता है, ठीक है। दोस्तों अकाउंटिंग में एक चीज़ और यूज होता है क्या, कि आपने जो भी नंबर टाइप किया है उस नंबर को आप इंडियन करेंसी में कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या कि जो आपने नंबर टाइप किया है उसको आप वर्ड में कैसे चेंज कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आप राइट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे दोस्तों आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।